हेलो एवरीवन आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ये कॉलेज बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है उसका रीजन ये है कि न्यूटन स्कूल बाकी ट्रेडिशनल कॉलेजेस से थोड़ा सा अलग है तो पहले देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल कॉलेज होता क्या है ट्रेडिशनल कॉलेज जितने भी इंडिया के कॉलेजेस है आज के टाइम पे सारे के सारे ट्रेडिशनल कॉलेजेस है इवन की आई आई टीज एन आई टीज बिट्स वेल्लोर जितने भी कॉलेज आपने सुने हैं, सारे ट्रेडिशनल कॉलेजेस है और इन कॉलेजेस में बहुत सारी प्रॉब्लम है जैसे की जो करिकुलम है अभी भी पुराना करिकुलम पढ़ाया जा रहा है और आज के टाइम पे जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है उस लेवल का करिकुलम नहीं पढ़ाया जा रहा है और बच्चों को एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट की जरूरत है बट इन कॉलेजेस में टीचर्स और प्रोफेसर तो मिल जाते हैं बट वो टीचर्स नहीं मिलते जिन्होंने गूगल माइक्रोसॉफ्ट एमेजॉन जैसी कंपनी में काम करा हो और वो बच्चों को आगे दस पंद्रह सालों में उनके साथ क्या होने वाला है उस लेवल का गाइड कर सके तो कॉलेज बहुत पॉपुलर हो रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग है तो हम सब कुछ रिव्यू करने वाले डिटेल में कि करिकुलम क्या है टीचर्स क्या होंगे प्लेसमेंट कितने तक का का हो सकता है का है प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या कैंपस कैसा है डिग्री क्या मिलने वाली है और इन सब के लिए फीस कितनी पे करनी पड़ेगी तो सारे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को लाइक कर दो शुरू करते हैं न्यूटन स्कूल का करिकुलम देख लेते हैं तो सेमेस्टर वन में सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जा रही है जावा या पाइथन उसके बाद कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है जिसकी जरूरत हमें पड़ती है कंप्यूटर साइंस में उसके बाद कुछ एडिशनल टॉपिक है साइंस ऑफ लिविंग अंडरस्टैंडिंग इंडिया इंडियन पॉलिटी लीडरशिप और ये ग्लोबल ग्रैंड चैलेंजेस है तो इसमें लिखा है कि इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस आज के टाइम के चैलेंजेस आप टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हो काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये वाला पार्ट उसके बाद अगर सेमेस्टर टू आप देखो सब पहले तीन टॉपिक जो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वेब अप्लीकेशन डेवलपमेंट और ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्राम आज के टाइम पे जितने भी इंटरव्यूज होते हैं टॉप प्रोडक्ट बेस्ड जाता है तो ये तीन टॉपिक सेमेस्टर टू में कवर कराए जा रहे हैं आज के टाइम पे बहुत ज्यादा गैप है जो कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री में चल रहा है तो ये करिकुलम देख के मुझे लग रहा है की गैप को काफी हद तक रिड्यूस करा गया है एंड बहुत सारे टॉपिक्स और भी है सेमेस्टर टू में सेमेस्टर थ्री पे चलते हैं यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो और एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है वो कराया जा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिखा हुआ है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है तो ये करिकुलम देखने में काफी ज्यादा फ्यूचर प्रूफ लग रहा है और एक्चुअल में ये करिकुलम बहुत अच्छा है क्योंकि सारे जो कॉलेजेस है उसमें अभी भी इतना पुराना करिकुलम पढ़ाया जा रहा है केमिस्ट्री फिजिक्स ये देख के एक्चुअल में फील होता है कि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेडली करिकुलम बनाया गया है सेमेस्टर फोर में इंटर्नशिप भी लग रही है तो ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि बच्चे कुछ पैसा भी अर्न कर पाएंगे और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी ले पाएंगे फिर तीसरे साल पे देखते हैं कंप्यूटर साइंस के और इम्पोर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग आज कल टाइम पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर कोई ये सीखना चाहता है सेमेस्टर सिक्स में अगर देखें तो डीप लर्निंग है जैसा कि हमारे ये टेस्ला कार्स वगैरह होता है तो मैंने सुना था कि उसमें डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट होते हैं तो ये

इंडस्ट्री एक्सपर्ट ये करिकुलम पढ़ा रहे हैं जिसमें ओरिकल मेक माई ट्रिप गूगल माइक्रोसॉफ्ट एडोबी माइक्रोसॉफ्ट तो बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है ना करिकुलम वो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं जिन्हें इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं होता वो प्रोफेसर होते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन वो उस तरीके से गाइड नहीं कर पाते कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है क्या चैलेंजेस आ रहे हैं बच्चे को कैसे अडेप्ट करना है और किस तरीके से उसे अपना आगे दस पंद्रह साल का करियर ग्रो करना है तो उसके लिए बच्चों को एक मैंटोर चाहिए होता है एक ऐसे टीचर चाहिए होते हैं

पर्सनल इंटरव्यू भी है और यहाँ जी वगैरह भी लिखा है तो ये दोनों क्लियर करने के बाद बच्चों को इस कॉलेज में सीट मिल सकती है और एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं बचे जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं करा वो भर सकते हैं क्योंकि अगर आप मल्टीपल ऑप्शन एक्सप्लोर करोगे आप आठ से दस कॉलेजेस को एक्सप्लोर करोगे तब जाके आपको किसी एक या दो कॉलेजेस में सीट मिलने वाली है और न्यूटन जैसे कॉलेज का आपको फॉर्म फिल करना चाहिए क्योंकि काफी अच्छा कॉलेज लग रहा है और कंप्यूटर साइंस बच्चों के लिए ये बहुत बेटर ऑप्शन है तो एक बार देख लेते हैं कि डिग्री क्या मिलने वाली है तो न्यूटन स्कूल में बीटेक की डिग्री मिलेगी इन कंप्यूटर साइंस एंड ए और हम लोग करिकुलम में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ए के काफी सारे टॉपिक्स कवर्ड थे तो ए काफी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे और जितने भी प्रोडक्ट है आज के टाइम पे सारे के सारे ए को अपने प्रोडक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उनको ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत है जो कि ए को इंप्लीमेंट करके उनके प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सके तो ये डिग्री मुझे देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और यहां पर लिखा है कि ये जो डिग्री आपको मिलेगी विद कोलेबरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी मिलेगी क्योंकि अभी न्यूटन स्कूल के पास खुद का यूजीसी अप्रूव सर्टिफिकेट नहीं है तो काफी लोग इस पे थोड़े से डाउटफुल थे मैंने भी रिसर्च करा तो मुझे भी अगर न्यूटन की खुद की डिग्री होती तो मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस फील होता बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमें यह देखने को मिलेगा कि न्यूटन के पास जब खुद का सर्टिफिकेट वगैरह आ जाएंगे तो न्यूटन की तरफ से आपको डिग्री मिल जाएगी बट अभी के लिए विद विथ विद विश्व यूनिवर्सिटी है बट इसका प्रॉपर कैंपस है सोनीपत में और ये चार साल का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है और कैंपस कैसा है क्या क्या कम्यूनिटीज है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा तो प्लेसमेंट देख लेते हैं न्यूटन स्कूल का प्लेसमेंट नाइन्टी है उनके पास दो हायरिंग पार्टनर है थाउजेंड प्लस इंडस्ट्री एक्सपर्ट उनसे जुड़े हुए हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और अलग अलग टेक लीडर्स हैं और तीन हजार बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है तो ये डेटा क्या है तो 3000 से ज्यादा बच्चे प्लेस हुए हैं और टॉप कंपनीज में गए गूगल फ्लिपकार्ट एमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट और अगर आपको प्लेसमेंट को प्रिडिक्ट करना है तो इस डेटा को देख के आप प्लेसमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि तीन बच्चे ऑलरेडी प्लेस न्यूटन स्कूल ने कराए हैं तो आ, मुझे लगता है कि जो भी कॉलेज में उनके 200-250 बच्चे होंगे तो उनको प्लेस कराना इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा उसका रीजन ये है कि यहाँ पर लिखा है 2000 थाउजेंड हायरिंग पार्टनर हर एक बच्चे के लिए आप कह सकते हो कि दस कंपनी है और कितने भी बच्चे आएंगे आगे भी तो दो हजार हायरिंग पार्टनर बहुत ज्यादा होते हैं और न्यूटन स्कूल का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो सिक्सटी फोर लैख है गूगल का और जो इनका एवरेज प्लेसमेंट का डेटा है वो ट्वेल्व लैख ,00 है न्यूटन स्कूल की फीस देख लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है ट्यूशन फीस वन लैख एट्टी सिक्स थाउजेंड है और मेस एंड हॉस्टल फीस नाइनटी थाउजेंड है तो पर सेमेस्टर की जो फीस है वो टू लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड है और वन टाइम फीस देनी है एडमिशन के टाइम फिफ्टी थाउजेंड और अगर आप सब कुछ ऐड करोगे हॉस्टल मैथ ट्यूशन फी ये वन टाइम एडमिशन फीस तो कुछ साढ़े बाईस लाख रुपए होते हैं और यहाँ पर लिखा है ये सारे जो बैंक है उनके साथ टाइप है तो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव लाख रुपीज ये टोटल बनता है तो फीस मुझे रिलेटिवली हाई लग रही है बाकी कॉलेजेस में आप देखोगे कुछ बारह लाख पंद्रह लाख के आस आपको फीस मिलती है बट यहाँ पर रिलेटिवली फीस काफी हाई रखी गई है तो फीस थोड़ी बहुत जस्टिफाइड भी मैं बोल सकता हूं क्योंकि जिस हिसाब से हम कॉलेज के फीचर्स देख रहे हैं तो आप देख सकते हो कि आपको अगर कॉलेज पसंद आ रहा है और अगर आप एक कंप्यूटर साइंस एंथोसियास्ट हो तब आप इसके लिए जा सकते हो और इस फीस को रिड्यूस करने का एक तरीका है कि आप स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हो तो यहां तीन तरीके स्कॉलरशिप है एक में 100% है बाकी दो में मुझे कुछ टेन परसेंट दिख रहा है तो आप डिटेल में जाके वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पर मेंशन था कि हर बच्चे को एक मैकबुक लैपटॉप मिलेगा जिसका कॉस्ट कुछ आई थिंक एक लाख रुपए तक आ जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चे अपना खुद का प्रोडक्ट बना के एक करोड़ तक की फंडिंग सीड फंडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं तो ये कुछ फीचर्स मिल रहे हैं न्यूटन स्कूल में कैंपस पे आने से पहले मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ ये उन बच्चों के लिए बहुत बेटर है जो कंप्यूटर साइंस में रुचि रखते हैं तो पहला तो बच्चों को रोबोटिक्स लैब मिल रही है जो काफी इंटरेस्टिंग है जो रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उन बच्चों के लिए काफी अच्छा कॉलेज है और ए आई हो रही है तो एआई पे आप काफी सारे प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो हैकाथॉन में आपको कुछ एक से दो दिन में कुछ प्रोडक्ट बनाना होता है और प्राइज वगैरह भी मिलता है तो ए आई हैकाथॉन्स इस कॉलेजेस में होते हैं उसके बाद जो मुझे एक पॉइंट इंटरेस्टिंग लगा वो है ड्रोन वर्कशॉप तो अगेन जो बच्चों को ड्रोन वगैरह में इंटरेस्ट है तो उन लोगों के लिए बहुत बेटर है ये और कोडिंग क्लब्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है तो आप कोडिंग क्लब बना सकते हो और एज अ ग्रुप सारे के सारे बच्चे ग्रो हो सकते हैं और बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं कॉलेज में जैसे कि आई अगर आपको पता हो गूगल समर ऑफ कोड और एक लास्ट पॉइंट जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो उन बच्चों के लिए है जो इस कॉलेज के जो टॉपर्स होंगे उनको इंटरनेशनल टेक कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिलेगा जैसे कि ये गूगल एमेजॉन इनकी कुछ या और भी कंपनीज की जो टेक कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जैसे सिलकन वैली यूएसए या सिंगापुर में तो जो कंप्यूटर साइंस के टॉप बच्चे हैं उनके लिए बहुत बहुत बेटर है कैंपस देख लेते हैं एक बार ट्वेंटी एकड़ का कैंपस है गुड़गांव के पास है और आप यहाँ पर फोटोज में देख सकते हो कि इंटरटेनमेंट रिलेटेड भी इवेंट्स होते हैं और यहाँ स्पोर्ट्स के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड है बच्चों के मोटिवेशन के लिए जो टेक लीडर्स होते हैं वो बीच बीच में आते रहते हैं जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं बड़ी बड़ी कंपनी में बड़ी बड़ी पोजिशन में हैं तो उस रिलेटेड की इवेंट्स होती है वो कॉलेज में आते हैं मोटिवेट करने के लिए और आप डिटेल में देख सकते हो कि जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड है यहाँ सारी फैसिलिटी है कैंपस दिखने में काफी स्पेशियस लग रहा है लाइब्रेरी वगैरह मुझे दिख रही है सारी मॉडर्न फैसिलिटी है और डिटेल में आपको देखना हो तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो एसी हॉस्टल है ऑडिटोरियम है स्विमिंग स्विमिंग पूल है इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स है फूड आउटलेट है थिएटर वगैरह हो गया तो जितने मॉडर्न फैसिलिटी आज के टाइम पे बच्चों की रिक्वायरमेंट है तो वो सारी फैसिलिटी कॉलेज में मुझे दिख रही है तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं बहुत सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियो और बनाऊं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच